हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे बाज़ार की, आज और कल, मतलब कि बाज़ार आज कैसा रहा और कल कैसा रह सकता है, उसका प्रिडिक्शन भी हम देखेंगे। बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ। और जो लोग नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। छोटा चैनल समझकर नॉलेज को छोटा मत समझिए। सबसे पहले तो निफ्टी की बात कर लेते हैं, और उससे भी पहले अगर आप देखें तो कल जो है ये हमने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फीबीम का, कल के दिन की बात है। और आज इसके अंदर कमज़ोर बाज़ार में भी अच्छी खासी तेज़ी सबेरे ही थी, 5% की तेज़ी इसके अंदर। बिल्कुल ये भाव टू भाव के आसपास खुला था, 17.60 रुपये के ऊपर था, 18.60 रुपये तक गया, मतलब कि 17 जो है अच्छी खासी इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली थी। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज भी कुछ शेयर हम शेयर करेंगे, और निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इसके ऊपर भी हम डेली अपडेट लाते रहेंगे। और जो मेरे सब्सक्राइबर है, रेगुलर व्यूअर्स है, उनको भी मैं बता दूं कि दोस्तों आप डेली इसे वीडियो जो है देखा करें। यहाँ पर जो है आज के दिन की बात करें तो इसके ऊपर फेड की जो मीटिंग आने वाली है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, किस सेक्टर के अंदर ज़्यादा गिरावट रही, कम गिरावट रही, तो वो भी हम देखेंगे। फिलहाल निफ्टी की बात करें तो 19,900 के ऊपर बंद रहा। परसों एक्चुअली दो से चार दिन पहले भी इसके ऊपर हमने बात की थी कि बाज़ार के ऊपर भी आपका जो है ध्यान रहना ज़रूरी है। भले ही आप किसी भी शेयर के अंदर जो है, आप ऑप्शन ट्रेड के अंदर जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हो या ना करते हो, भले ही आप कैश मार्केट के ऊपर आपके पास मतलब कि आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स पड़े हो, लेकिन बाज़ार कैसा रह सकता है उसके ऊपर भी आपकी नज़र जो है रहनी चाहिए। और यहाँ पर देखें तो 19,900 के आसपास की क्लोजिंग है, तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से हो सकते हैं वो जो है काफ़ी मायने जो है रखते हैं, जो एक डिसीजन लेने में जो है अच्छा खासा एक जो है यूज़फुल हो सकते हैं। फिलहाल देखें तो आज के दिन की बात करें तो लो की बात करें तो 19,900 के थोड़ा सा नीचे आकर वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, वहाँ पर ही क्लोजिंग दी है, 20,050 के आसपास की एक हाई बनाया। यहाँ पर अभी देखें निफ्टी के ऊपर, आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर के अंदर जो है ज़्यादा करेक्शन आया। तो निफ्टी मेटल के अंदर जो है सबसे ज़्यादा करेक्शन रहा, 1.5% के आसपास। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की अगर बात करें तो उसमें भी 1.5% के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी बैंक के अंदर भी 1.25% के आसपास की गिरावट, निफ्टी प्राइवेट बैंक भी 1.25% के आसपास गिरा, निफ्टी PSU और निफ्टी रियल्टी, तो उसके अंदर जो है ज़्यादा गिरावट थी। कम गिरावट किसके अंदर थी तो एक तो निफ्टी मीडिया, उसके बाद देखिए तो कंज्यूमर ड्यूरेबल और फार्मा कंपनी, उसके अंदर जो है कम गिरावट थी। बाकी ये जो बीच की जो कंपनी है उसके अंदर जो है मिला जुला सा कारोबार था। यहाँ पर देखिए तो अब फेड की पहले तो न्यूज़ आप देख सकते हैं, अभी ये न्यूज़ है, अभी की लाइव मतलब की अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइव USFOMC मीटिंग टूडे, लेटेस्ट अपडेट ऑन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फेड मीटिंग आउटकम। तो डेट एंड टाइम जो है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जैसे कि देखें तो आप देख सकते हैं कि तो US फेडरल ओपन मार्केट कमिटीज़ मीटिंग बिगेन ऑन सितंबर 19, द मीटिंग सेट टू कंक्लूड ऑन सितंबर 20 इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन अ पॉज इन इंटरेस्ट रेट हाइक। तो ये जो है इसका एक एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट हाइक के अंदर जो है पॉज, मतलब कि ये एक एक्सपेक्टेशन है। और इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे जब इसकी जो है फेड मीटिंग का फाइनल डिसीजन आ जाएगा, तो हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट है इसके ऊपर जो है आप जो है नज़र रखें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और कम्युनिटी पोस्ट को भी देखा करें। और आगे देखें तो अब निफ्टी की बात करें तो 19,900 के ऊपर है, तो सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन की अगर बात करें शॉर्ट टर्म की, तो 19,800 के आसपास जो है एक सपोर्ट इसको मिल सकता है। इसका भी एक रीज़न है, एक तो जो है यहाँ पर ये 21 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास है, अभी 19,773 है, कल के दिन जो है थोड़ा सा ये 5-10 पॉइंट और भी बढ़ सकता है। तो एक तो ये है एक रीज़न, ये डेली चार्ट है। अब इसका वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 5 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो जो है 19,800 के ऊपर है, तो यहाँ पर जो है इसको सपोर्ट मिल सकता है। रेजिस्टेंट की बात करें तो वो भी हम कर लेते हैं, जो सपोर्ट जो है वो हमने देख लिया, एक तो ये 19,800, और अगर बाई चांस ये उसको तोड़ता है तब जो है ये 19,750। तो ये जो है दो अभी सपोर्ट दिख रहे हैं कल के दिन की। रजिस्टेंट की बात करें तो अभी फिलहाल जो है एक ये 20,000 का ही लेवल है जो कि एक अच्छा खासा रजिस्टर बन सकता है, और उसके नीचे देखें तो 19,980 रुपये उसका का जो लेवल है वो भी एक अच्छा खासा, मतलब कि ये एक जोन है एक जो कि रजिस्टर यहाँ पर फेस कर सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो जो आज का जो ये हाई है, ये तो फिलहाल पूरे हफ्ते का है, लेकिन आज का जो हाई है 20,050 का जो जोन, ये दूसरा इसका रजिस्टर हो सकता है, तो इसको आप जो है नोट करके रख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, डेली चार्ट है इसका, इसके अंदर भी आज जो है अच्छी खासी गिरावट रही, 600 पॉइंट के आसपास की, 45,400 के आसपास की क्लोजिंग रही। तो इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज जो होते हैं वो भी काफ़ी मायने रखते हैं, और जो पिछले दिनों के पिछले टाइम के जो सपोर्ट और रजिस्टर जहाँ जहाँ उसने लिया होता है वो भी काफ़ी मायने जो है रह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 21 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 45,150 के आसपास है, तो यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल सकता है इस जोन के आसपास। और इसके नीचे भी अगर आप देखेंगे
तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पर एक इसने सपोर्ट लिया था, एक रेजिस्टेंस फेस किया था 45,000 के आसपास, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो कैंडल रेड कलर की है। तो दूसरा सपोर्ट जो है इसका 45,000 के आसपास है, जो कि ग्राउंड फिगर नंबर्स भी है। और तीसरा सपोर्ट अगर देखें तो वो यहाँ पर दिख रहा है 44,900 के आसपास। तो ये तीनों के तीनों जो है यहाँ पर जो है सपोर्ट दिख रहा है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर देखें तो तकरीबन 45,400 के आसपास की क्लोजिंग है, और यहाँ पर देखें तो एक तो ये 45,600 का जोन, और उसके बाद देखें तो 45,800। तो ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है अभी दिख रहे हैं, क्योंकि ये 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, कल के दिन हो सकता है कि ये 45,650 के आसपास शायद हो जाए, थोड़ा सा नीचे आ रहा है ये लाइन मूविंग लाइन अगर देखें तो। और उसके ऊपर अगर देखें तो थोड़ा बहुत ही अगर देखें तो 45,800 के आसपास अगर बाउंस बैक आता है तो अब जो है ये दूसरा रेजिस्टेंस वहाँ पर दिख सकता है। और ये फिन निफ्टी का भी जो है चार्ट हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 20,100 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने 21 दिनों का जो मूविंग एवरेज है ऑलरेडी जो है वहाँ पर जो है आज खुद देख सकते हैं कि वहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया है। तो ऐसा ही सपोर्ट जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी मिल सकता है। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी इसने जो है इसको टच कर लिया है। अब आगे देखें तो अब 50 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है जो कि 19,950 के आसपास है। और उससे भी पहले अगर देखें तो एक तो ये 20,000 का लेवल है, सपोर्ट की बात करें तो ये जो है एक इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, बिकॉज की एक ये राउंड फिगर नंबर से। और उसके नीचे देखें तो ये 19,900 के आसपास जो है ये दूसरा इसका एक सपोर्ट बन सकता है। और साथ ही साथ अगर आप इसके अंदर रेजिस्टेंस की बात करें तो एक तो ये 20,200 के आसपास जो है ये पहला इसका रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो आज इसने हाई बनाया इसके थोड़ा सा ऊपर 20,300 का जो जोन है वहाँ पर जो है ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और कल का दिन ऐसा लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन जोन में रह सकता है पूरा बाजार, जैसे कि आज इसके अंदर जो गिरावट रही, और ये गिरावट जो है फेड की मीटिंग कह लीजिए कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन 20,000 से ऊपर निपटी गया था तो एक लाजमी है कि ये गिरावट आना, मतलब कि एक थोड़ा सा ज़रूरी भी था ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग जो है आनी ही थी ऐसा लग रहा था। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है फिलहाल, ज़्यादा अभी चिंता जो है दिखाई नहीं दे रही ऐसा लग रहा है फिलहाल। तो कल के दिन वापस से देखेंगे कि बाजार का हाल क्या है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर है, या फिर मतलब कि आप मार्केट के अंदर कैश मार्केट में भी अगर ट्रेडिंग करते हैं तो, और सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेजॉरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।